अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि बाइक हम अपने डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, यानी कि हम रोज़ाना हमारा बाइक के साथ कोई ना कोई लिंक होता है। तो जो चीज़ हम अपने डेली रूटीन में यूज़ कर रहे हों, हम उसको रोज़ाना इस्तेमाल कर रहे हों, तो उसकी थोड़ी बहुत केयर तो करनी पड़ती ही है। तो आज की इस वीडियो में भी मैं आपके साथ एक ऐसी टिप लेकर आया हूँ जो आपका जानना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट अगर आप कभी भी इंजन करवाने जाते हो अपनी बाइक का, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने अपनी बाइक में कौन कौन सी चीज़ डलवानी है या कैसे कैसे आपने उससे बचना है। तो मेरे इस चैनल में बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, मैंने आपको टिप्स दी हुई हैं कि आप कैसे अपनी बाइक की केयर कर सकते हैं, और भी एडवांस लेवल की मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बताई हुई हैं। तो मेरे जो चैनल पे जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनमें दो कैटेगरी के लोग हैं। एक वो जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं बाइक के, ठीक है, तो एक वो कैटेगरी है, और दूसरी कैटेगरी के लोग वो हैं जिन्होंने सिर्फ इस वजह से सब्सक्राइब किया हुआ है कि लाइक वो कहते हैं हमें थोड़ी बहुत यहाँ से इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलती रहे क्योंकि हमने बाइक रोज़ाना यूज़ करनी होती है। तो ये दोनों कैटेगरी के लोगों में एक चीज़ आपको कॉमन लाजमी मिलेगी कि जब भी आप अपनी बाइक को ठीक करने जाते हैं या ठीक करते हैं, तो आपकी कोशिश यही होती है कि आपकी बाइक के साथ जो ओरिजिनल सामान लगा हुआ आया है, जैसे कि आपकी बाइक अगर आपने लिया है होंडा सिटी 70 लिया, आपने इंजन वगैरह खोला है, तो उसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं अक्सर क्या होता है कि वो ठीक होते हैं, उनके साथ जो छोटी छोटी चीज़ें लगी होती है उनमें फॉल्ट होता है, ना कि उन मेन चीज़ों में। तो अगर हम पार्ट्स ठीक करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो पूरी की पूरी मेन चीज़ें चेंज कर देते हैं। तो हमें काफ़ी दुख होता है कि यार हमारी बाइक की ओरिजिनल चीज़ें थी ये ऐसी इन्होंने निकाल दी, पता सही है कि नहीं है। तो मैं आपको इस तरह की वीडियो में लाता रहता हूँ। तो आज का इस टॉपिक में, ये फिर मेन एक टॉपिक है हमारा, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा हमारी जो बाइक के इंजन की सबसे जो मेन चीज़ होती है ना, सबसे मेन चीज़ अक्सर लोगों को पता भी होगा अक्सर लोगों को नहीं पता होगा, वो हमारा होता है ये वेट, और इसमें कनेक्टिंग रॉड होता है सबसे मेन चीज़, जो 1 सेकंड में आप अंदाज़ा भी लगा सकते कितने कितनी दफ़ा घूमता है इस तरह, ठीक है, 1 सेकंड में। 1 सेकंड में पता नहीं ये कितने 100 चक्कर लगा लेता है, या इस तरह की जो भी इसकी होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, तो इसके मैं बताऊंगा आपने कैसे चेक करना है। और जो ओरिजिनल होता है ये आपने अगर बाद में परचेज करना हो तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। आप जब भी अपनी बाइक की कोई भी काम करने जाते हैं, आप कहते हैं चलो मैं पार्ट्स नहीं डलवाता हूँ, वो पार्ट आप डलवाते हैं चाइना का, अगर आप जेन्युइन डलवाए तो वो तो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो उससे बेहतर ये होता है कि आपकी बाइक का जो ओरिजिनल है वो अक्सर ठीक ही होता है, इतनी जल्दी ये चीज़ें ख़राब नहीं होती, उसके साथ जो चीज़ें लगी होती है वो चीज़ें ख़राब होती है। तो मैंने वीडियो को थोड़ा लंबा कर लिया, तो मैं आता हूँ टॉपिक की तरफ। तो बाकी अगर आपको कोई भी और वीडियोस देखनी हो तो चैनल बराबर है वीडियोस से, बाइक की वीडियोस से चैनल बराबर है, बिल्कुल सिंपल मैंने टिप्स बताई है, कोई ऐसे मैंने इस चैनल पर नहीं बताया कि आपका खर्चा ज़्यादा हो। जो भी वीडियो आपको नज़र आएगी उसमें जो भी आपका एक्सपेंसिव है काफ़ी कम कम आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी तरह की आज मैं फिर वीडियो लाया आपके लिए। तो ये देखिए, ये हमारी बाइक का एक पूरा वेट होता है, ये आप खुद तो खोल नहीं सकते हैं, ये आपने किसी जाके किसी के खुलवाना पड़ता है खरादी के पास जाके। तो इसके जो खर्चा है वो थोड़ा आता है, वो आपसे 150 रुपये में देता है और चीज़ें देता है आपको, ठीक है, सामान आपका खुद का होता है। अब ये देखिए, ये मेन चीज़ है, ठीक है, पहले हम इसको लेते हैं, ये होंडा सिटी 70 2003 मॉडल का ओरिजिनल है, ठीक है, ये देखिए तब आता था जापान का बना हुआ। तो ये देखिए अब क्या होगा कि जब मैं ये चेंज करने, अब फर्स्ट को मैंने उन्होंने ये खुलवाया, ठीक है, तो कहते हैं ये पूरा आप जगह नया ले आए हम चेंज कर लेंगे, ये वो खुद रख लेते हैं और आपको वो चाइना का हल्का सा डाल कर दे देते हैं, ठीक है दोस्तों। आप बहुत खुश हो जाते हैं, लो जी मेरे बाइक का काम हो गया। आपने इसको चेक कैसे करना है, जो मेन इस वीडियो का टॉपिक है वो इसको चेक करने का है। तो ये देखिए, ये इस तरह होता है, ठीक है, इसमें ये एक इस तरह की पिन होती है, एक ये बैरिंग होता है और एक ये होता है, ठीक है। अब इसको अपने चेक कैसे करना होता है ये देखिए, अब क्या पता इन सब चीज़ों का आप भूल जाए, ठीक है, क्या पता आपके ये जो है इनमें से ये ख़राब हो सकता है या ये ख़राब हो सकता है या ये ख़राब हो सकता है, ठीक है। मेन चीज़ तो आपकी यही है, ऐसी है ना, इसका काफ़ी वेट होता है। तो अब इसको चेक कैसे करना है, नंबर 1 तो आप ये देखिए इनका खाशे हैं, ये बहुत थोड़ी सी है, अगर आप यहाँ से आपको पता लगता है तो ठीक है, नहीं तो उसको मैं आपको सिंपल ट्रिक बताता हूँ। आप ये देखिए, ये आपकी बाइक के नज़र आ रही है ये पिन, इसके ऊपर खराशियाँ आई हुई हैं, तो ये खराशें ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इसमें चेक कैसे करना है कि ये देखिए, आपने ऐसे डालना, ऐसे डालना, ठीक है, अगर तो ये बिल्कुल दरमियान में रखना है, अगर ये ऐसे हिल रहा है, ये देखिए हल्का हल्का मूव कर रहा है, तो इसका मतलब इतना ज़्यादा ये मूव नहीं कर रहा, लेकिन अगर ज़्यादा मूव कर रहा है मतलब ये ख़राब है, ठीक है। तो अगर आपने देखना है कि सिर्फ मेरी पिन तो नहीं ख़राब कहीं, तो आपने क्या करना है कि आपने इसको थोड़ा सा ऐसे ले आना है, ठीक है, इतना, और फिर आपने ये देखिए यहाँ पर लगा, अरे प्ले चेक करनी है, आप देखिए इसमें प्ले बिल्कुल भी नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसकी ये चीज़ ख़राब है, ठीक है, ये चीज़ ख़राब है, क्योंकि बाइक में तो ये ऐसे चलता है, ठीक है, ऐसे घूमना होता है इसने, तो जब आप क्योंकि यहाँ से वो लगा ही नहीं होगा, जब आप इसको ऐसे लगा के यहाँ पर ऐसे चेक करेंगे तो फिर क्या होगा कि इसमें प्ले बिल्कुल भी नहीं होगी, इसका मतलब ये कि आपकी सिर्फ ये पिन ख़राब है। तो ये पिन आप डलवा सकते हैं, ये आपका बिल्कुल ठीक है। और इसी तरह अगर आप ये आपके ढीले हैं काफ़ी ज़्यादा, तो आप ये चेंज करा लें, लाजमी बात नहीं कि यही आपका ख़राब हो। मैंने यहाँ पर देखा है हमारे 100% केसेज में ऐसे ही होता है, जब हम ठीक करने जाते हैं तो क्या करते हैं कि पूरा साइकिल ले आओ ऐसे, ठीक है, 400-500 वाला आप चाइना का ले आओ, वो हम डाल देंगे, जबकि ये ओरिजिनल होता है और इसके साथ का जो
देखिए ये उस टाइम का ओरिजिनल है, और अब अगर होंडा का ये आप ओरिजिनल लें ये कितने का मिलेगा आपको बताओ ना, ये कितने का मिलेगा? ये जेन्युइन है होंडा का, ठीक है, ये आपको मिलेगा 900 रुपये का, ठीक है दोस्तों। आप कहाँ 400, कहाँ 900, उससे बेहतर नहीं है आप अपना ओरिजिनल ही ठीक आगे ये डलवा लें। हाँ अगर इसके अंदर ज़्यादा खर्च नहीं हो तो आप बेशक वो ज़्यादा बात है कि अगर इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्ले हो तो आप पूरा सेट चेंज करा लें, नहीं तो अक्सर ये चीज़ें ठीक होती है। आपको चेक करने का मैंने तरीका बता दिया है, तो आप इसके जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। जब वो खोलें आप एक मिनट मुझे दो इधर, उसके बाद आप चेक करें कि ये देखिए इसको, क्योंकि घूमता तो यहीं पर है, ठीक है, आप यहाँ पर ले आए या यहाँ पर ले आए, आप फिर प्ले चेक करें, अगर फिर इसमें प्ले ना हो इसका मतलब ये है कि आपका ये ख़राब है, ठीक है दोस्तों, ये आप चेंज करा सकते हैं। तो इसके अलावा बैरिंग्स भी होते हैं, इसका ही मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये देखिए, ये ओल्ड मॉडल जो लगा लगाया था उसमें ओरिजिनल है, और जो नया आता है देखिए इन दोनों में वजन का कोई फर्क नहीं है। ये बाद में मैंने एक परचेज किया हुआ है होंडा सिटी 70 का, ठीक है, आपको मैंने दिखाया है ये, इसके भी साथ ये इस तरह की चीज़ें आती हैं, ठीक है, ये भी होता है और ये भी होता है। इसकी भी पहले ये देखिए, इसमें बिल्कुल प्ले भी नहीं है, ठीक है, इसमें बिल्कुल प्ले नहीं है, हल्की हल्की होती है, इतनी तो होती होती है, ठीक है, अगर ज़्यादा प्ले है तो ये फिर आवाज़ करेगा। अगर ऐसे प्ले हो ठीक है, आप आपने देखना कि कहीं ये तो नहीं खराब, आप सिंपल इसको थोड़ा ऐसे करके निशान ठीक है, ये नहीं छुपा बाहर ले आए, और फिर आप इसको ऐसे करें, ये देखिए, ठीक है। तो फिर अगर ये नहीं होता तो फिर आप क्या करें, आप ये सिर्फ एक पिन चेंज कर लें, बजाय ऐसे कि आप सारा सेट चेंज करें। तो अगर आप प्ले ज़्यादा तो आप पूरा सेट चेंज कर सकते हैं। तो ये छोटी टिप्स थी, मैंने सोचा कि आपको दूं, शायद आप बोर भी हो रहे हो लेकिन आपको पता होना चाहिए ये चीज़ों का। उसके बाद ये बैरिंग्स आते हैं, ठीक है, ये होंडा सिटी 70 के है, इसमें नंबर क्या होता है सिटी 70 के, मैं बैरिंग्स का वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कोशिश करता हूँ। ये पहले मैं बता दूँ, ये बिल्कुल ओरिजिनल है, ठीक है, ये देखिए, ये ओरिजिनल कौन से आते हैं, हमें आप जाके सिंपली कहना है हमें नाची के बैरिंग्स दे दें, ठीक है ना। नाची के, ये जापान के होते हैं, नाची जापान लिखा होगा, उसका जो नंबर होता है वो होता है 6304, ठीक है, ये होंडा सिटी 70 में होता है। ये देखिए ये बिल्कुल ठीक है, इसमें प्ले बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, इसमें आप इसे चेक कर सकते हैं, तो प्ले नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तो अगर अगर इसमें प्ले नहीं है, वैसे अगर आप चेंज करते हैं काबिल है बेशक आप, तो ये इसके ओरिजिनल होते हैं ना। जापान और ये नाची, अब बहुत से लोग यहाँ पर कंजूसी करते हैं, वो क्या करते हैं कि आम हल्की चाइना की क्वालिटी के लगवा लेते हैं। देखिए आप बाकी बाइक का सामान बेशक आपका आप, जो मीटर है बाइक का, आपके इंडिकेटर्स हैं, या इस तरह का आपकी बैक लाइट है, वो चले फिर भी आप हल्की क्वालिटी डलवा लेते हैं, कुछ नहीं होता, वो ऊपर ऊपर से टूटती जब आपने अपना पूरा इंजन खुलवाना ही नहीं है, है। आपने 1500 मजदूरी देनी है आपने, ठीक है, तो उससे बेहतर नहीं है कि आप 200-300 भर के और आप ये अच्छी चीज़ें डलवा लें। मेरा तो आपको ये कहना है कि इंजन के अंदर जो काम आपने करवाना है उसके जो पार्ट्स हैं वो आप अच्छी क्वालिटी के ही डलवाएं, कोशिश करें होंडा के जेन्युइन डलवाएं। तो बाकी जो पार्ट्स होते हैं बॉडी के जो रोजाना टूटते रहने होते हैं वो चाहे आप चाइना के डलवा सकते हैं, ठीक है। तो ये पता पता नहीं कितनी दफ़ा आप नहीं इमेजिन कर सकते कितनी दफ़ा घूमते हैं 1 सेकंड में। तो ये देखिए ये इतना खुलता है वेट, तो ये वेट तो आप खुद कार में नहीं खोल सकते, इसके लिए प्रॉपर टूल्स चाहिए होते हैं। तो ये मैंने आपको मैंने दिखा दिया है, ये देखिए ये मेरे मेरे पास 2003 मॉडल का ओरिजिनल है, मेड इन जापान लिखा हुआ था, आता था, तो ये देखिए GP2, और फिर उसके बाद 2000, 12 में मेरे ख्याल में इन्होंने यहाँ पर फिर एटलस लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन क्वालिटी बिल्कुल सेम है ये। तो ये देखिए ये वाले 900 रुपये का आता है ये आपका, बाद में हम यहाँ 300-400 रुपये दवा लेते हैं, उससे बेहतर है आप ओरिजिनल ठीक करा लें। तो आई होप आपकी लगी होगी, अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो वीडियो को को लाइक करें, और मज़ीद ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल भी सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें। करें। थैंक थैंक्स एंड बाय बाय।